सक्करधरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुछ लोगों को अवैध रूप से सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 3,22,000 का माल जब्त किए जाने की जानकारी मिली है। यह छापामार कार्रवाई आयुर्वेदिक लेआउट NIT कॉम्प्लेक्स मिर्ची बाजार में की गई है। सक्करधरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुछ लोगों को अवैध रूप से सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। इस सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर आयुर्वेदिक लेआउट NIT कॉम्प्लेक्स मिर्ची बाजार स्थित एक गोदाम में छापा मार कर इस कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 3,22,225 रुपए का माल जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सक्करधरा बीट मार्शल को नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि कुछ लोग आयुर्वेदिक लेआउट स्थित एक गोदाम में सरकारी अनाज की बोरियों को दूसरे बोरियों में बदली कर रहे हैं। इसी सूचना पर सक्करधरा के थानेदार धनंजय पाटिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान यशोधरा नगर निवासी विनोद लखन राम साहू और इंदिरा माता नगर निवासी भोला मन्नू बावन कुले को भी पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार किया। इसके बाद घटना की जानकारी अनाज वितरण अधिकारी को दी गई। सरकारी गेहूं के 170 बोरों की कीमत करीब 2,04,000 रुपए बताई जा रही है। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। संबंधित विभाग अन्न व पुरवठा अधिकारी यांना पत्रव्यवहार करून त्यांना घटनास्थळी बोलवून त्यांच्या समक्ष ही कारवाई पंचनामा कारवाई करण्यात आली। या कारवाईच्या दरम्यान मध्ये 166 कट्टे शासकीय भारतीय खाद्य निगम मार्किंग असलेले व 4 कट्टे ज्यूटचे असे भारतीय खाद्य निगम असे एकूण 170 कट्टे प्रत्येकी 50 किलो वजनाचे किंमत त्यांची 2,04,000 रुपये आणि 65 खाली रिकामे पोते हे 60 इतर पोते एक पोते किंवा कट्टे शिवले ज्याची इलेक्ट्रिकची मशीन लाल रंगाची ॲपे रिक्षा एक आणि दुसरी पांढऱ्या रंगाची ॲपे रिक्षा नंतर 28 प्लास्टिकच्या दुसऱ्या विदाऊट शासकीय अशा म्हणजे पांढऱ्या रंगाच्या पोत्यांमध्ये प्रत्येकी 50 किलो वजनाच्या गहू भरलेला आढळला। म्हणजे सदरच्या प्रकरणामध्ये शासकीय मालकीच्या ज्या पोत्यांमधला गहू हा काळा बाजार करून खाजगी पोत्यांमध्ये पलटवत असताना येथील आणि त्याची वाहतूक करत असताना वरील आरोपी मिळून आलेले आहेत।